तो चलिए दोस्तों, आज हम इस फोटो के बारे में बात करने वाले हैं कि फ़ोटो कैसे बना और इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन लगे हुए फ़ोटो को बनाने के लिए। तो चलिए हम फटाफट से अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप एक फ़ोटो ले लीजिएगा। तो मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम स्नैपसीड एंड ऑटोडेस्कबुक में ले जाकर इस फ़ोटो को वाइट कर लेंगे। तो हमारा फ़ोटो कुछ ऐसा हो गया। अगर आपको नहीं पता है कि फ़ोटो को वाइट कैसे करें और फेस को ग्लो कैसे करें, तो आप, मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद ही फ़ोटो को कटआउट करेंगे। तो कटआउट करने के लिए हम अपने फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और एक नया टैब ले लेते हैं। नया टैब लेने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे कुछ एडोब वीजी करके। तो हम यहाँ पर फटाफट से सर्च कर लेते हैं एडोब वीजी। आप भी अच्छे से देख लीजिएगा और सर्च करिएगा। एडोब वीजी सर्च करने के बाद एक नया वेबसाइट ओपन होगा। तो मेरा थोड़ा नेट स्लो है, इसे हो रहा है। तो सबसे पहला जो बैकग्राउंड आ रहा है, फ्री बैकग्राउंड रिमूवर, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और जो अपलोड योर फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, उस पर फिर से क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कुछ फाइल खुलेगा, उसके बाद फिर अपलोड इमेज। यहाँ पे आप कोई भी फ़ोटो ले लीजिएगा, जो मैंने सिलेक्ट किया था उस फ़ोटो को ले लेता हूँ और उसको वाइट फेस कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। और हाँ, ये या आपको याद रह होना चाहिए कि फ़ोटो 10 MB से कम हो, तभी ये काम करेगा और फुल HD में फ़ोटो कटआउट होगा। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कटआउट का, तो उससे बहुत अच्छा बेहतर है ये वीडियो। तो आप यहाँ से फटाफट से कटआउट कर लीजिएगा। तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, थोड़ा मतलब 1 मिनट तक, उसके बाद ही कटआउट होगा। तब तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए साइन अप करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप भी फटाफट से यहाँ से साइन अप कर लीजिएगा। और जैसे ही साइन अप करिएगा तो हमारा फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं फटाफट साइन अप कर लिया और डाउनलोड भी हो गया मेरा फ़ोटो। तो फ़ोटो कुछ ऐसा डाउनलोड हुआ है, देख लिए, थोड़ा सा भी नहीं फ़ोटो फटता है, फुल जूमिंग करके देख लिया। तो इस फ़ोटो को हम फिर अब ले चलते हैं अपने पी शॉट में। तो हम सबसे पहले अपना पी शॉट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना फ़ोटो का पी शॉट ओपन किए और पी शॉट ओपन करने के बाद मैं बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर बैकग्राउंड डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इस फ़ोटो को हम क्रॉप करेंगे पहले। तो क्रॉप करने के बाद हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते करते जाएंगे और एक पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो पोस्ट वाले पे क्रॉप करेंगे और क्रॉप करने के बाद हम अभी जो फ़ोटो कट आउट किए, उस कट आउट फ़ोटो को ऐड करते हैं। तो फ़ोटो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया और फ़ोटो को जूम करके अच्छे से सेट कर लीजिएगा जहाँ आपको अच्छा लगे। तो मैं इतना सेट करता हूँ और फिर से हम इसे करते हैं डन। और फिर से एक फ़ोटो ऐड करते हैं हम, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे कर रखा है, तो आप उसे भी जाकर ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे हम फटाफट से ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करके ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ब्लेंड वाले पे जाने के बाद इसको स्क्रीन कर देंगे और स्क्रीन करने के बाद फुल जूम करेंगे, बस हमारा एक लाइट दिखना चाहिए। यहाँ पे इसे सेट करके और इसको हम इरेज करेंगे। यहाँ पे फटाफट से हम इरेज कर लेते हैं और बस हम अपने फ़ोटो का जितना हमें दिख रहा है, मतलब केवल बॉडी के पास ही इरेज करना है, बैकग्राउंड का ऐसे ही छोड़ देना है, बैकग्राउंड वाला इरेज नहीं करना है। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था, उसको फटाफट से क्लीन कर लेता हूँ। तो क्लीन करने के बाद हमारा फ़ोटो कुछ ऐसा हो गया और इस फ़ोटो को हम यहाँ से करते हैं डन। डन करने के बाद हम फिर से एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो चलिए हम बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं फटाफट से। वाला बैकग्राउंड ले लेंगे और इसको भी ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड पर जाकर लाइट इन कर देंगे। तो यहाँ पे लाइट इन कर लेते हैं और इसको फुल जूम करेंगे। जूम करने के बाद बस 3-4 लाइट दिखना चाहिए, तो इसे अच्छे से सेट कर लीजिएगा, नहीं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है। और यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या, देखिए क्या होता है, आप इरेज करने लग जाते हैं। तो इरेज नहीं करना है आपको, उस पर लेयर वाले पर क्लिक करके मूव टू डाउन कर देना है। हम डाउन करने के बाद इसको करते हैं डन फोटो को। हमारा फ़ोटो कुछ काफ़ी ज़्यादा रेडी हो गया, बस थोड़ा सा और आ गया। हम एक और बैकग्राउंड ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करने के बाद एक तितली वाले बैकग्राउंड है, उसे ऐड करते हैं। हम इसे यहाँ पे ऐड कर लिए
और इसको ब्लेंड करके स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद बस हमें कुछ ऐसे ही से ऐड करना है, अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहीं पर हर कोई गड़बड़ाता है। तो यहाँ पे एक तितली को हमें बाहर रखना है, बाकी दूसरी तितली को इरेज कर देना है और इसका ऑपेसिटी भी कम कर देंगे हम। तो यहाँ पे दूसरे तितली को हम इरेज करते हैं और एक तितली वहाँ पे हमारी रेडी है। तो इसे इतना करने के बाद हम फिर से वही वही तितली वाला बैकग्राउंड ऐड करेंगे। और अगर आपको ऐड नहीं करना है बार बार तो उसी का डुप्लीकेट कर लीजिएगा, और डुप्लीकेट करने के बाद उसे भी ब्लेंड करके आप यहाँ से स्किन कर लीजिएगा। स्किन करने के बाद ये पहली वाली तितली को रखना है, बाकी इन दोनों को इरेज कर देना है। उसके बाद इसका भी ओपेसिटी कम कर देना है और एक बार और इस बैकग्राउंड को ऐड करेंगे हम। तो यहाँ से हम फिर से बैकग्राउंड ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद फिर से ब्लेंड और फिर से स्क्रीन, सेम प्रोसेस। और इसको लास्ट वाली तितली को रखना है, बाकी दो तितली को इरेज कर देना है। तो यहाँ पे हम उसे इरेज कर देते हैं, इन दोनों को इरेज कर दिया और लास्ट वाले को रख लिया। और इसका भी ओपेसिटी कम कर देंगे। तो हमारा फ़ोटो कुछ रेडी हो चुका है, अब थोड़े से और इसमें काम रह गया। तो इतना करने के बाद हम आएंगे अपने टूल्स वाले ऑप्शन पे। तो चलिए हम फटाफट से आ जाते हैं। टूल्स वाले ऑप्शन पर आने के बाद एडजस्ट, और इसका ब्राइटनेस हम थोड़ा सा लो करेंगे। उसके बाद कंट्रास्ट थोड़ा सा प्लस, आपको एडजस्टमेंट कर लेना है, आपको फ़ोटो पर कैसा लाइट चाहिए वैसे। यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से, आप भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो इतना मेरा करने के बाद फ़ोटो रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा फ़ोटो रेडी हो गया, आप इसे कितना भी जूम करिए फ़ोटो नहीं फटने वाला। तो हम इस फ़ोटो को यहाँ से फटाफट से सेव कर लेते हैं। तो फोटो सेव होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।